फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। बारिश और तेज हवा के कारण सरसों और गन्ने की फसल को अधिक नुकसान हुआ है। तेज हवा के कारण खेतों में सरसों और गन्ने की फसल गिर गई है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को मुजफ्फरनगर में करीब 13.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस दौरान सरसों की फसल को करीब 20% नुकसान हुआ है। वहीं आलू की फसल को भी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। शहर में दोपहर तक बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। मुजफ्फरनगर में सरसों की अधिक बुआई हुई है। किसानों ने लक्ष्य से अधिक 7,250 हेक्टेयर सरसों की बुआई की है। वहीं गेहूं की बुआई 60,542 हेक्टेयर हुई है। इसके अलावा जनपद में इस बार आलू की बुआई करीब 550 हेक्टेयर में हुई है। गुरुवार को हुई बारिश से आलू और सरसों की फसल को अधिक नुकसान हुआ है। बारिश के साथ चली तेज हवा से सरसों की फसल गिरी है, जिस कारण सरसों पर आए फूल और फली को काफी नुकसान हुआ है। सरसों की फसल को करीब 20% और आलू की फसल को करीब 15% नुकसान हुआ है। वहीं गन्ने की फसल भी तेज हवा के कारण खेत में गिरी है, जिस कारण गन्ने को भी काफी नुकसान हुआ है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया कि बारिश से गेहूं की फसल को काफी लाभ मिला है, लेकिन सरसों और आलू की फसल को नुकसान हुआ है। मुजफ्फरनगर शहर में सुबह से होने वाली बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के साथ बर्फीली हवाओं ने ठंड भी बढ़ा दी है। बारिश के साथ कारण जहां राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार ठंडा रहा, वहीं बाजार में दुकानें भी देर से खुली। हालांकि बारिश दोपहर तक रही, जिस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दिए। दोपहर के बाद भी आसमान में बादल बने रहे, जिस कारण लोग बारिश की आशंका के चलते घरों से कम ही निकले। दोपहर बाद मौसम कुछ खुलने के बाद ही लोगों ने घर से बाहर निकलना बेहतर समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।